दोस्तों, नवरात्र आने वाला है, उसी की शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें ढेर सारी व्रत की रेसिपी हम आपको देंगे। तो शुरुआत हमने मखाने से किया है। बहुत ही हाई प्रोटीन, कैल्शियम, एनर्जी से भरपूर मखाना व्रत में बनाकर रखें और खाएं। इसको हम सबसे पहले बहुत क्रंची होने के लिए हमने सबसे पहले ड्राई रोस्ट किया है, उसके बाद फिर हम घी में इसको रोस्ट करेंगे। व्रत में हम लोग को खाने का मन करता बहुत है, बहुत कुछ खाने को मन करता है, बट बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये यमी सा, मैंने आपको नमकीन की रेसिपी दी है जो मखाने से बनाई जा सकती है, व्रत में खा सकते हैं और बहुत ही एनर्जी और से भरपूर है ये, जो दिन भर आपको ताकत देगा। तो सबसे पहले जो रोस्ट किया हमने उसको ऐसे तोड़ के हम देख लेंगे, अगर ये आपका टूट जाता है इट मीन्स कि ये रेडी है। इसको निकाल लीजिए और 2 चम्मच घी डालेंगे हम। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा चाहते हो क्रंची करने के लिए तो आप डाल सकते हो। अब व्रत है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, तो थोड़ा सा स्पेशल तो मखाना होना चाहिए। अब इसमें हम सारी मखाने को डाल देंगे। दोस्तों, नवरात्रा जो बहुत ही स्पेशल होता है, उसमें पूरे दिन हम लोग कुछ ना कुछ, कहीं महिलाएं गाना गाने जाती हैं या कुछ भी, व्रत बहुत ही काम हो जाता है और हमें बनाने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो अगर जब भी आप थक के आते हैं और निकालते हैं, चाय के साथ इसको खाते हैं एज ए स्नैक्स, आप बहुत अच्छा फील करेंगे और एनर्जी भरपूर देने वाला ये मखाना बना के रख लीजिए आप। अब इसमें मसालों की बारी आती है। अब इसमें मसाले, अगर आप चाट मसाला यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, घर का चाट मसाला हो तभी यूज़ करिएगा, बाहर में सॉल्ट मिला होता है। सबसे पहले ये हमने सेंधा नमक डाला है जो आप व्रत में खाते हैं। तो सेंधा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, ये मेरा घर का बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, ये मैंने जीरा पाउडर डाला हुआ है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा चटपटा तो आप इसमें नॉर्मल रेड चिली डाल सकते हैं। अब इसको खूब अच्छे से भून लीजिए। भून करके आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए। जब भी मन करे चाय बनाइए और स्नैक्स के रूप में इसको आप ले सकते हैं। ये बहुत ही एनर्जी से भरपूर होता है, पूरे दिन अगर आप खाते हैं तो आपको व्रत का एहसास थोड़ा कम होगा। तो आप इसको बनाइए, खाइए, फिर हाजिर होती हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही झटपट बनने वाली, जो नवरात्र में आपको खाना है, रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।